दोस्तों डालचन टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं डालचन सैनी आज आपको वीडियो में सिखाएंगे होल्डर और बैड स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता देते हैं, एक तार का टुकड़ा लिया है और इसके कनेक्शन करेंगे। जैसे कि आपको बताते हैं किस तरह इसका कनेक्शन करना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए जो कि आपको बता देते हैं। इसमें प्लास और अपना टेस्टर चाहिए जो कि आपको बताते हैं। हम इसको प्लास की मदद से इसके सिरे छील लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से इसके सिरे छील लेंगे। छीलने के बाद होल्डर में कनेक्शन करके बताएंगे। जैसे कि आपको बता देते हैं किस तरह इसके कनेक्शन करने हैं। जैसे कि दोस्तों आप इस तरह से आप देख सकते हो ये होल्डर है हमारा। होल्डर खोलेंगे, होल्डर का पीछे वाला कैप खोलेंगे। कैप खोलने के बाद इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपको बता रहे हैं। इसके पेच खोल के हम कनेक्शन करेंगे जो कि आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से टेस्टर की मदद से पेच खोल लीजिए। पेच खोलने के बाद जो हमने दो सिरे छीले थे उनके इस तरह से कनेक्शन करेंगे जो कि आपको बताएंगे। जैसे कि इस तरह से आप पॉइंटों में लगा दीजिए। पॉइंट में लगाने के बाद दोनों सिरों को इस तरह से लगा देंगे जैसे कि आपको बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता देते हैं रेड कलर का वायर है इसको हम फेस बनाएंगे और जो हमारा येलो कलर का वायर है इसको न्यूट्रल बनाएंगे जो कि आपको बता देते हैं। इस तरह से आप कनेक्शन कीजिए। कनेक्शन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे सिरे से इसका जो कैप हटाया था वो कैप दोबारा से लगा देंगे। जैसे कि आपको दिखा देते हैं इस तरह से कैप पो दीजिए। कैप पोने के बाद हम क्या करेंगे, जो होल्डर है होल्डर में इस तरह से गांठ लगाएंगे जिससे कि हमारा होल्डर खुले नहीं और कनेक्शन हटे नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से इसमें गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद दोस्तों आपको बता देते हैं अब इसके बाद हम टू पिन लगाएंगे। जो कि टू पिन किस प्रकार लगाते हैं जो कि हम आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों इन दोनों सिरों को छील लेंगे। जैसे कि पहले सिले से सिरों को छीलने के बाद हम इसमें टू पिन में कनेक्शन करेंगे जो कि कनेक्शन बताएंगे किस तरह करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये टू पिन है हमारी, इसको टेस्टर की मदद से खोल लेंगे। जैसे कि आपको दिखाते हैं इस तरह से आप टेस्टर की मदद से टू पिन खोल लीजिए। टू पिन खोलने के बाद जो टू पिन में दो पॉइंट है इनमें हम वायर लगाएंगे। जैसे कि आपको बताते थे रेड कलर का फेस है हमारा और येलो कलर का है जो न्यूट्रल है जो कि आपको बताएंगे। इस तरह से आप टू पिन के पेज खोल लीजिए टेस्टर की मदद से। टेस्टर की मदद से पेज खोलने के बाद इसमें कनेक्शन करना बताएंगे। जैसे कि आपको दिखाते हैं इसमें रेड कलर का वायर है और जो फेस है उसको पहले पेज लगाएंगे। इसमें फेस लगाने के बाद दोस्तों आपको दिखा देते हैं इस तरह से आप कनेक्शन कर दीजिए। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं कनेक्शन करने के बाद अब दूसरा वायर है हमारे येलो कलर का, इस वायर को लगाएंगे जो कि दूसरा पॉइंट है जो खाली पॉइंट है उसमें लगाएंगे। पॉइंट में लगाने के बाद उसी तरह से टेस्टर से कस देंगे जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। टेस्टर से कसने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब इसको इसी तरह से कैप में बैठा देंगे। कैप में बैठाने के बाद जैसे कि एक पेच होता है इसमें टू पिन में उसको कस देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा बैड स्विच है जो कि बैड स्विच लगाएंगे जो कि आपको बताएंगे। इस वायर में हम बैड स्विच लगाएंगे जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा रेड कलर का फेस है तो इसमें बैड स्विच लगाएंगे। बैड स्विच आपको बता देते हैं, ये बैड स्विच है हमारा 6 एम्पियर का, इसको लगाएंगे। जैसे कि हमने इसको पहले खोल के रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से इसके तारों को मेल लेंगे। तारों को मेलने के बाद जो इसके दो पॉइंट बने हुए हैं उन पर हम लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जिसमें नीचे वाले पॉइंट पर आता है हमारा फेस आता है और जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें हमारे बल्ब की आप आती है। जैसे कि आपको दिखा देते हैं इस तरह से इसमें कनेक्शन कीजिए। कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरह करते हैं। अब हम टेस्टर की मदद से इसको कस देंगे जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कसने के बाद दोस्तों आपको दिखा देते हैं इसी तरह से अब दूसरा वायर लगाएंगे, जो ऊपर का वायर है उसको लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये बल्ब की आप है जो हम लगा रहे हैं। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर का कैप है उसको लगा देंगे। कैप लगाने के बाद इसके दो पेच है वो लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्विच में जो दो पेच लग रहे हैं उनको लगा देंगे। जैसे पीछे के कवर के लिए पेच लगाए जाते हैं जिससे कि हमारा कवर खुले नहीं। जैसे कि दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, अगर दोस्तों इस तरह से आप कनेक्शन करोगे तो आपके कभी भी फॉल्ट की शिकायत नहीं आएगी, न शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं अब इसमें बल्ब लगाएंगे जो कि आप आपको दिखाएंगे। बल्ब लगाने के बाद दोस्तों हम सीरीज पे चेक करेंगे। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं इस तरह से इसको चेक कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 220 वोल्ट पे हमारा बल्ब अच्छी तरह ग्रो कर रहा है जो कि आपको दिखा रहे हैं।
दोस्तों आप भी इसी तरह घर पे अपने कनेक्शन कर सकते हो जो कि हमने वीडियो में दिखाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।